हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत में सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली को और जितने भी व्यूअर्स इस वाले ब्लॉग को देखने के लिए आए हुए हैं उन सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, सभी के सभी लोग अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ें और माता रानी का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। तो यहाँ पर प्रियंका ने भी सजा दी है अपनी पूजा पाठ की थाली और नवरात्रों के विशेष दिन है, आप लोगों को पता है माता रानी की सब अच्छे से पूजा पाठ करते हैं और प्रियंका दे रही है अब पूरे के पूरे घर में पात्री। तो जितने भी दरवाजे हैं उनकी दहलीज के ऊपर तिलक, चावल के दाने और पूजा पाठ की जाती है अच्छे से। और ये जो हमारा मेन गेट है यहाँ पर हम हमेशा एक ये जो छोटा सा मिट्टी का बर्तन है इसमें पानी भर के रखते हैं और इसमें फूल डुबो कर के रखते हैं और चावल के दाने भी। इससे आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ क्लिप बाणी के, सनवी और मिट्टू के साथ। तो खूब सारी मस्ती की है इन तीनों बच्चों ने और देखिए बाणी किस तरह से सीखती है चीज़ें इनसे, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नवरात्रि के इन विशेष पवित्र दिनों पर सभी के घर में कुछ ना कुछ ढेर सारे पकवान बनते ही रहते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा हुआ था कि ये जो आप रोटियां बनाते हैं तो आपकी ये रोटियां इस तरह से इतनी अच्छे से कैसे फूलती हैं, जब हम बनाते हैं तो हमारी जो रोटियां हैं वो फट जाती हैं और छींटे वगैरह पड़ने का भी डर रहता है तेल का। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब आप आटा गूंथ बैठते हो उसके बाद एकदम से ही आप लोगों ने इस तरह से रोटियां गोल गोल करके बनाई और एकदम से तलाई करना स्टार्ट नहीं करना है। जब आटा गूंथ दिया तो उसके बाद कम से कम आधे घंटे के बाद आप लोगों ने इस प्रोसीजर को करना स्टार्ट करना है तो तब जाके ये रोटियाँ नहीं फटेगी। अभी यहाँ पर मैंने गाड़ी को वॉश कर लिया है, अब गाड़ी को करूँगा अंदर गैरेज में। और घर पर अभी कोई भी नहीं है फिलहाल, मम्मी पापा और प्रियंका गए हुए हैं नीचे गाँव में। तो इसके बाद मुझे आग जलानी है और थोड़ा वक्त मैं सब्ज़ी वगैरह काट दूँगा क्योंकि जब प्रियंका वगैरह आएगी हो तो आई थिंक थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे गांव से आते आते। तो तब तक हल्की फुल्की प्रिपरेशन कर दूँगा किचन में, प्रियंका की हेल्प भी हो जाएगी डिनर के लिए। और सबके साथ मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है,
आप लोगों को मैं दिखाऊं थोड़ा सा कैमरा में, तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं काले। तो पिछले कल से ही बारिश स्टार्ट हो गई है, लेकिन शाम के टाइम इवनिंग की बात करूं तो हल्की फुल्की बारिश हुई, और रात की बात करूं रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और अभी भी मौसम जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा डार्क बादल आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश फिर से होने वाली है। तो अब गाड़ी को करता हूँ जल्दी जल्दी अंदर, और उसके बाद किचन में सब्जी वगैरह काटता हूँ और आग भी जला दूँगा। देख सकते हैं आप मिरर में भी, और बारिश ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गई है अब। तो चलिए अभी मैंने लकड़ियाँ भी लानी है और उसके बाद आग भी जलानी है। तो करते हैं जल्दी जल्दी गाड़ी को गैरेज के अंदर बंद, और फिर चलते हैं किचन की तरफ। तो गाड़ी को अंदर करने के बाद लकड़ियाँ भी मैं यहाँ पर ले आया हूँ, और अब आग जलाऊँगा यहाँ पे, और सब्जी काटने को है तो सब्जी काटूँगा। तब तक प्रियंका वगैरह आ जाएगी तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी, प्याज काट दूँगा मैं तब तक, और सबके साथ सब्जी का मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि कौन सी सब्जी बनानी है, तो अभी मैं पूछता हूँ कॉल वगैरह करके, लेकिन पता नहीं सेल फोन लेकर गई है या नहीं, तो फिर चलिए बना देंगे जो भी सब्जी मैं काट दूँगा। बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, और साथ के साथ हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, आंधी तूफान आ गया है, और प्रियंका और मम्मी फंस गए हैं नीचे गांव में, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मुझे अभी मैसेज आया होता व्हाट्सएप के ऊपर कि अब हमारे पास छाता वगैरह भी नहीं है और ना ही कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब भाई मैं भी कैसे जा सकता हूँ, मैं भी घर पर अकेला हूँ बाड़ी के साथ। तो जो मेरा पड़ोसी है उसको मैंने कॉल किया हुआ है अभी कि आप प्लीज़ 5 या 10 मिनट के लिए हमारे घर में आ जाइए, और अभी पानी को मैंने सुला दिया है, तो जब तक पड़ोसी आएगा तो तब तक मैं पानी को सुला दूंगा बेड के ऊपर, और फिर उसको बोलूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा देर के लिए देखना पानी को, तब तक मैं जल्दी जल्दी छाते वगैरह लेकर चला जाऊँगा गाँव में, और फिर एकदम भाग के ही आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोगों को पता है रोड के साथ में हमारा घर है, और हर एक चीज़ को मतलब देखना पड़ता है, ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते घर को। तो ये बात है, अब जल्दी जल्दी निकलता हूँ मैं भी पानी को सुलाने के बाद गांव की तरफ। तो गांव में जाने का देखिए कोई ना कोई फ़ायदा हो ही जाता है। वैसे मम्मी और प्रियंका को याद नहीं था धनिया और लहसुन लाने का, तो अब मैं ही यहाँ से थोड़ा सा हरा धनिया और हरा लहसुन निकाल लेता हूँ। इसी के साथ इस वाले ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ यहीं पे ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी सुजेशन हो आप लोगों के पास तो आप अपनी सुजेशन जरूर रख सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोगों के कमेंट हम डेली बेसिस पर जरूर रीड करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।